किसान बिल के विरोध में किसानों ने करहिया मंडी में शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति एवं संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक शिव सिंह एडवोकेट ने बताया कि किसान बिल के विरोध में दिल्ली आंदोलन के समर्थन में पूर्व घोषणा मुताबिक 3 जनवरी से करहिया मंडी रीवा में अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत सर्वप्रथम महापुरुषों एवं शहीद किसानों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर दी गई तथा शिक्षा की देवी सावित्री बाई फूले की जयंती अवसर पर उन्हें याद किया गया। धरना स्थल पर किसान नेताओं ने अपनी बात रखते हुए यह संकल्प लिया कि सरकार जब तक किसान बिलों को वापस नहीं लेती तब तक यह धरना चालू रहेगा। धरना स्थल से ही आंदोलनों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। आज प्रथम दिन अनिश्चितकालीन धरने में प्रमुख रूप से किसान नेता शिक्षक सौखी लाल तिवारी, भागवत प्रसाद पांडे, रामजीत सिंह, कुंवर सिंह, शिव सिंह, कांति कुमार दुबे, शोभनाथ कुशवाहा, इंद्रजीत सिंह, अनिल सिंह, पिंटू भैयालाल त्रिपाठी, संजय निगम, अमित सोगौरा, तेजभान सिंह लाल मणि त्रिपाठी, जेपी कुशवाहा, पप्पू कनौजिया, अभिषेक कुमार पटेल, हरिओम सिंह, कंचू विनोद कुमार मिश्रा, राम बहादुर सिंह, अजय पाल सिंह, धीरेंद्र सिंह, राम नारायण सिंह, शिवपाल सिंह, जगदीश प्रसाद सोधिया, राजेश सिंह, रत्नेश सिंह, पुणेंदु सिंह, नीरेंद्र प्रसाद मिश्रा, जयभान सिंह, गया प्रसाद मिश्रा, संत कुमार पटेल, अजय सिंह, चक्रधर सिंह, शैलेंद्र सिंह, संतोष सिंह, बुद्धसेन कुशवाहा, राम बलि, दीपांकर, नागेंद्र प्रताप सिंह, महेंद्र कुमार दुबे, रवि नंदन सिंह, मनीष कुमार पटेल, निर्भय पटेल, अभय राज सिंह आदि सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। धरना स्थल में मीसा बंदी महेश्वरी त्रिपाठी अपना समर्थन देने पहुंचे। साथ ही किसान नेताओं एवं किसानों ने अपने किसान नेता साथी सुब्रत मणि त्रिपाठी, जो पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे हैं, उनके स्वास्थ्य लाभ की ईश्वर से कामना की गई। आज धरना कार्यक्रम के लिए लंच की व्यवस्था समाज सेवी अभिषेक कुमार पटेल, संचालक लॉर्ड बुद्धा नर्सिंग कॉलेज रीवा द्वारा की गई। किसान नेताओं ने धरना स्थल पर ही आगामी आंदोलन के लिए रणनीति भी तैयार की। श्री सिंह ने जिले के समाज सेवियों, बुद्धिजीवियों, मीसा बंदियों, आम नागरिकों, किसान साथियों एवं अन्य संगठनों से अन्नदाताओं के आंदोलन को समर्थन दिए जाने की अपील की है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में किसान बिल के विरोध में दिल्ली किसान आंदोलन के समर्थन में महापुरुषों को नमन करते हुए शहीद किसानों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत मंडी प्रांगण में की गई है और किसानों ने यह संकल्प लिया है कि जब तक ये किसान बिल सरकार वापस नहीं लेती है तब तक निरंतर आंदोलन जारी रहेगा और यही आंदोलन स्थल से ही बड़े बड़े आंदोलनों की रणनीति भी तैयार की जाएगी।